हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह रावत आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे खुशी पोल्ट्री व्लॉग्स में। दोस्तों आज अपने बर्ड्स जो हैं 15 दिन के हो चुके हैं और आज जो अपन 14 दिन का बॉडी वेट करने जा रहे हैं। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि बर्ड्स अपने जो है आईबी ग्रुप से है और आज जो है अपन इसका बॉडी वेट करेंगे दोस्तों आपके सामने। बर्ड्स की टोटल मॉडलिटी की बात करी जाए तो दोस्तों अभी तक जो अपनी टोटल मॉडलिटी है जो 100 मॉडलिटी हो चुकी है और इसमें फर्स्ट वीक में अपने मॉडलिटी शो करी थी योग वगैरह की, बट अभी इसमें एक दो मॉडलिटी चल रही है। फर्स्ट क्लास से कोई दिक्कत नहीं है बर्ड्स में, ना तो साइजिंग है और अभी तक ठीक है। बर्ड्स का जो मेन ब्रॉयलर के अंदर जो होता है दोस्तों ये 25 दिन तक का खेल होता है। बर्ड्स में अगर साउंड आना हुआ, इकोलाई हुई, ये सारी जितनी भी बीमारियाँ होती है दोस्तों ये होती है 25 दिन के पहले पहले। वायरल भी इफेक्ट करता है 18 से 25 दिन के बीच के अंदर। तो अगर ये चीज़ें होती है दोस्तों तो इसके 25 दिन के भीतर अपन इसको कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन सी दिशा में अगर अपना फार्म जाएगा, बट अपन इसकी जो है मेहनत कर सकते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रख सकते हैं और मेडिसिन वगैरह का सारा ध्यान रख सकते हैं। तो 25 दिन बाद में अगर बर्ड्स में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है दोस्तों तो वो बैच अपना 100% सही जाता है, उसमें किसी प्रकार की लास्ट में जाके प्रॉब्लम होती नहीं है। क्योंकि दोस्तों बर्ड्स की ह्यूमिडिटी पावर फिर उसके बाद में अच्छी बन जाती है और बर्ड्स बॉडी वेट भी बहुत अच्छे से गेन हो जाता है उसका। सारा गेम जो होता है दोस्तों बॉडी वेट में होता है। बर्ड्स की अगर बॉडी वेट अच्छा है तो उसमें बीमारियां भी बहुत कम आने का चांसेस होता है। तो मैं हमेशा से ही, चाहे कौन सी कंपनी का बर्ड्स हो दोस्तों, मैं फर्स्ट में अच्छा इसमें परफॉर्मेंस दिखाता हूँ और बॉडी वेट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मेरे दोनों शेड के बर्तन में इसी में लगा रखे हैं दोस्तों। अभी चिक्स फीडर और चिक्स ड्रिंकर तो हमने हटा दिए हैं दोस्तों, लेकिन हमने चिक्स जैम्बो ड्रिंकर और जैम्बो फीडर अभी पूरे कम्प्लीटली 120 बर्तन मेरे हैं शेड में, वो पूरे हमने अभी लगा रखे हैं दोस्तों। और आप देख पा रहे होंगे बच्चे की पूरे एक्टिविटी, अभी दोनों तरफ के पर्दे हमने खोल रखे हैं दोस्तों क्योंकि उमूस टाइप में कल से हो रही है। तो फार्म पे हर चीज़ का अपन को मेन ध्यान जो रखना होता है दोस्तों वो रखना होता है कि अपने बर्ड्स के अंदर किसी प्रकार का साउंड नहीं आए। क्योंकि देखिए अगर बर्ड्स के डायरेक्टली हवा लगती है ना तो फिर उसके बाद में उसमें साउंड आने का ज़्यादा चांस होता है। तो उसके लिए हमने जो है मेन इनका कर रखा है कि ये साइड में देखिए कट्टे लगा रखे हैं, हमने साइड में एक पट्टी लगाई है, डायरेक्ट बच्चे की जो हवा आती है वो उसके लगे नहीं बच्चे को। और जब हवा होती है अगर ज़्यादा मात्रा में तो एक साइड का पर्दा भी हम बंद कर देते हैं, ठीक है ना। तो उससे होता क्या है दोस्तों कि बर्ड्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं आती है साउंड की, बच्चे को डायरेक्ट हवा ना लगे, बस इस चीज़ को बचा के चलना है अपन को। और अब सामने जो है बरसात का मौसम आ रहा है दोस्तों, ऐसा अगर क्लाइमेट होता है तो बर्ड्स ऑटोमेटिकली ग्रोथ लेता है, इसमें इतनी अपन को परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। दूसरी एक चीज़ और बता दें दोस्तों, वैक्सीनेशन जो है हमने दो कर दी है, 6 दिन वाली और 12 दिन वाली, दोनों ही हमने पानी में पिलाई है दोस्तों। क्योंकि हर बार हम आई डोज कर रहे थे उसके बावजूद भी हमारे प्रॉब्लम आई थी, तो हमने उसको बंद करके अब की बार जो है हमने पानी में पिलाने वाली सुविधा करी है। तो अभी अपन इस अपने बर्ड्स का जो है 14 दिन का बॉडी वेट करने जा रहे हैं दोस्तों। बॉडी वेट कितना आता है वो आपको जो है हम वीडियो में दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं जो आपको बता रहा था कि ये साइड में हमने देखिए कट्टा लगाया नीचे से, ये हालांकि हम सर्दी में लगाते हैं लेकिन अभी लगाने का रीज़न ऐसा था कि दोस्तों है ना हवा इतनी ठंडी चल रही थी, इतनी स्पीड से चल रही थी, और दूसरा क्या कि मौसम कब चेंज हो जाए, जैसे रात को अपन इतने गर्मी पड़ रही है और खुला छोड़ दिया अपन, क्योंकि गर्मी में अपन को शेड में जितने भी तिरपाल है वो खुले रखने होते हैं, तो ये रख के अगर अपन सो गए तो सुबह के टाइम में पता ही नहीं चलता है कि कब साला मौसम ख़राब हो गया और एकदम से ठंडी हवा चलने लग जाती है। तो उसके लिए क्या करते हैं हमने, ये नीचे अपने बर्ड्स के हवा नहीं लगे तो हमने कट्टा लगा दिया है, ठीक है ना। दूसरा दोस्तों ध्यान रखें कि मौसम कब चेंज हो जाए, फार्म पे ही रहना है 24 घंटा, ये मैं आपको सजेस्ट करना चाह रहा हूँ। क्योंकि एक बार बर्ड्स में अगर साउंड आ गया ना दोस्तों तो फिर उसको कवर करना बहुत दिक्कत होती है, अपन उसकी मेडिसिन लगाएं तैयार करने के लिए, फिर ग्रोथ के लिए लगाएं, क्या क्या करें, तो फिर बर्ड्स डिस्टर्ब हो जाता है दोस्तों, जितना बॉडी वेट आना चाहिए वो नहीं आ पाता है, ठीक है ना। तो अपन ज़्यादा आपका समय नहीं ख़राब करूँगा दोस्तों मैं, और बहुत समय बाद में वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को बोलने का मौका मिल रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा बोल पा रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि गए दफ़े मेरे शेड के अंदर बहुत ज़्यादा मॉडलिटी हुई थी दोस्तों, तो मेरा दिमाग एब्सेंट हुआ था, उस वजह से मैंने ये सब चीज़ें बंद करी थी। फिर भी टाइम टाइम पे मुझे कोशिश करी कि मैंने आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करूँ दोस्तों, क्योंकि हर बंदे का जो होता है अपने प्रति लगाव हो जाता है दोस्तों, तो वो उम्मीद रखता है। मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि आपको गाइडेंस करता रहूँ जितने जैसे जैसे मेरे को समय मिलेगा। रिजल्ट अच्छा जाता है दोस्तों तो सबका मन करता है वीडियो बनाने का, और सबका मन होता है कि अपन जो है अच्छे से इसके अंदर और परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करें। दोस्तों जब शेड में प्रॉब्लम होती है तो ऑलरेडी बंदे का जो है मॉरल डाउन हो जाता है और नहीं काम कर पाता अच्छे से, इसलिए जब भी शेड में अच्छे से परफॉर्मेंस फार्म कर रहा है तो अपना भी जो है अच्छे से काम करने का मन करता है।
ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको बॉडी वेट करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने जो काटा परचेज किया था दोस्तों, उसी में बॉडी वेट करेंगे। अपन को इसको लगा दिया है और ये अपन ने कैरेट लगाया है दोस्तों, ताकि बर्ड्स को भी दिक्कत नहीं हो बार बार। और इसको अपन ऑन कर देते हैं। ऑन करने के लिए दोस्तों इसको थोड़ा प्रेस करके रखना पड़ता है, तो इसके अंदर जो है ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाता है। तो ये ज़ीरो हो चुका है दोस्तों। और अब जो है अपन इसके अंदर जो है बर्ड्स डालते हैं, गिनती के 10 बच्चे डालेंगे। एक्चुअल में क्या है दोस्तों कि उसमें एक दिक्कत होती थी बॉडी वेट करते थे, तो कि यार बैग का वज़न और ये सब लेस करना पड़ता था। ये बढ़िया काम हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर बेटा 10 बच्चे डाल दें। तो 10 बच्चे इसमें डालेंगे अपन, 1 2 एक बार इसका पैसा तो लगता है, लेकिन दोस्तों इसका बेनिफिट अच्छा है। जब भी बर्ड्स में लिफ्टिंग करना होता है या ऐसा कुछ है तो अपन को दिक्कत नहीं होती, अपना अगर कांटा है तो लगा देते हैं। हालांकि वैसे तो सुपरवाइज़र लेके आता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं मिल पाता है तो अपन खुद का लगा देते हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं होती। बर्ड्स में इतनी साइजिंग अभी तक है नहीं दोस्तों, क्योंकि हम जो है फर्स्ट में जब भी कभी करते हैं दोस्तों, तो फर्स्ट के अंदर हम खासतौर पर ध्यान रखते हैं। कितने बर्ड्स डाले भाई? देखिए दोस्तों बर्ड्स गिना देते हैं पहले आपको, 2 2 4 5 6 7 8 9 10। देखिए दोस्तों 10 बच्चे हैं। 1 मिनट, ये देखिए 2 4 6 8 2 10। अब आपको मैं बॉडी वेट दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों 10 बच्चों का बॉडी वेट कितना आया है, 5 किलो 500 ग्राम इन 10 बच्चों का बॉडी वेट है, मतलब कि 550 ग्राम अपने बर्ड्स का 14 दिन का बॉडी वेट है दोस्तों। तो बर्ड्स का अपन एक जगह एक बार और बॉडी वेट कर लेते हैं। इसको खाली कर बेटा, और नेक्स्ट वाले में से एक उठा के 5 10 बच्चे और डाल दे। तो इससे बॉडी वेट जो है अपना क्लियर हो जाता है दोस्तों, कि बर्ड्स ने 14 दिन में फीड खा के कितना बॉडी वेट गेन किया है। बर्ड्स देखना दोस्तों, किसी प्रकार की एक्टिविटी अगर कर रहा है, मुँह फाड़ रहा है, ऐसा कुछ है तो अपन को फ़ैन वगैरह चलाना। देखिए अभी छोटे बच्चे में तो फ़ैन अपन नहीं चला रहे हैं, लेकिन जैसे बच्चे बड़े होंगे दोस्तों, फिर 20 दिन बाद में हम इसके फ़ैन भी चालू कर देंगे। देखिए जितने भी किसी को रिपेयर करना था, ऐसा कुछ था, उनको सबको हमने रिपेयर करके कम्प्लीटली रेडी कर दिया है। अभी इस दीवार के साइड में एक एक फ़ैन और लगना बाकी है, जो हमारे पास पड़ा है कंपलसरी, उसको अपन जो है लगाने वाले हैं। तो अभी जो है इससे काम चलेगा, हो गया 10। तो अभी जो है इसी से काम चलाएंगे। ज़्यादा अगर गर्मी का उमस टाइप में हुई दोस्तों, तो अपन वो कूलर वाले फ़ैन है अपने पास, वो लगा देंगे। तो फ़ैन का खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि अब जो उमस टाइप में हो ज़्यादा गर्मी होगी दोस्तों, क्योंकि जो है यहाँ पे बरसात का मौसम होगा तो उमस ही होगी, ठीक है ना। क्योंकि अब जो है अगर मैं तो क्या करता हूँ, ज़्यादा गर्मी होती है तो फिलहाल की कंडीशन में तो टिन शेड के ऊपर जो है स्प्रिंकलर चला देता हूँ दोस्तों, ताकि ठंडक हो जाती है अंदर, ठीक है ना। तो इसमें डाल दिए बच्चे, एक बार और देख सकते हो आप, 2 4 6 8 10 10 बच्चे हो गए। और इनका भी आपको जो है वज़न दिखा देता हूँ दोस्तों, 5 किलो 350 ग्राम इनका बॉडी वेट आया है, ठीक है ना। तो इनका फाइनली एवरेज अपन मान के चले दोस्तों, तो 520-530 ग्राम के समथिंग अपना बॉडी वेट बर्ड्स का आया है, मतलब कि बर्ड्स का बॉडी वेट जो है बहुत ही अच्छा है दोस्तों। चल खाली कर दे बेटा और इसको बंद कर देना। तो ये है अभी गाइडेंस के लिए बताए दोस्तों। तो बॉडी वेट के लिए हमने अभी तक कोई ग्रोथ प्रमोटर या किसी प्रकार की कोई मेडिसिन हमने नहीं चलाई है। उसका रीज़न है दोस्तों कि अभी अपन ने नए नए आईबी के बच्चे लिए हैं दोस्तों, तो इनका अपन को इतनी नॉलेज है नहीं। तो सुपरवाइज़र ने गाइडेंस दी है कि बोले इसमें ज़्यादा मेडिसिन चलाने की ज़रूरत नहीं है, अगर बर्ड्स में प्रॉब्लम है तो आप मेडिसिन चलाइए, बाकी आप ज़्यादा मेडिसिन यूज़ मत करिए, गर्मी का टाइम है। तो अपन ने किसी प्रकार का अगर ग्रोथ प्रमोटर चलाना हुआ दोस्तों, तो अपन 25-30 दिन बाद में ही इसके ऊपर फोकस करेंगे। अभी ऑलरेडी बर्ड्स जो है ऐसी गर्मी के अंदर बॉडी वेट अच्छा लेके आ रहा है, और क्लाइमेट अगर इसी प्रकार अच्छा रहा दोस्तों, तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपन को कि अपन जो है इसमें ग्रोथ प्रमोटर चलाएँ। केवल और केवल अपन को जो है क्लाइमेट का ध्यान रखना होता है दोस्तों, कि बर्ड्स को ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो खासतौर पर जाहिर सी बात है अपन को गर्मी पे फोकस करना है। बाकी ज़्यादातर मेडिसिन यूज़ करने से भी बर्ड्स के अंदर दिक्कत होती है दोस्तों। तो हमने फर्स्ट टाइम जो है इसमें एंटीबायोटिक दी थी दोस्तों, एक बार आपको बता दूं जानकारी के लिए, हम 17 18 19 तीन दिन रेगुलर एंटीबायोटिक दोबारा रिटर्न करेंगे दोस्तों, ताकि बर्ड्स में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और बच्चा जो है अच्छे से अपन इस लोड को निकाल पाएँ। आईबी के बर्ड्स की जो है दोस्तों तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि देखिए कोप के बच्चे में मैंने इतना बर्ड्स बॉडी वेट देखा था, बट
उसके बावजूद भी इस बच्चे के अंदर भी उतना ही बॉडी वेट है जितना कोप के बच्चे में आता था, ठीक है ना। तो बॉडी वेट में तो मेरे को इतना डिफरेंस लगा नहीं, क्योंकि ये सारा खेल जो मुझे लग रहा है मैनेजमेंट का है दोस्तों। अपन 7 दिन पे जो बर्ड्स की मैनेजमेंट करते हैं उसी पे ही जो है बॉडी वेट का डिफरेंस चलता है। तो अभी तो देखिए इस मौसम में हर फार्म पे अच्छा बॉडी वेट आ रहा है, क्योंकि क्लाइमेट जो है अच्छा ठंडा क्लाइमेट है, तो इसमें देखिए बच्चा अच्छे से फीड उठाएगा तो बॉडी वेट ऑलरेडी अच्छा लाएगा। तो मेरी नज़र में जितने भी मेरे मिलने वाले फार्म हैं सब पे बॉडी वेट बहुत अच्छा इसी प्रकार गेन कर रहा है, और यही बॉडी वेट हर फार्म पे है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी का भी लॉट बहुत अच्छा निकले और आप बहुत अच्छे पैसे कमाएं दोस्तों, और अच्छे से आप तरक्की करें, मैं तो यही दुआ करता हूँ। और अपना शेड भी जो है बच्चे अच्छे से सर्वाइव करके अच्छा रिजल्ट जाए, मेरे लिए आप दुआ कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय श्री राम।